बहुत से लोग हमें पूछते हैं कि जठेरे क्या होते हैं, क्या हमें इन्हें मारना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। कई लोग तो बहुत ही परेशान हैं इन जठेरों की वजह से। आज हम आपके सवालों के जवाब देंगे कि जठेरे क्या होते हैं, क्या हमें इन्हें मारना चाहिए। तो आप सभी से विनती है इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, जठेरे, जठेरों का मतलब होता है हमारे बुजुर्गों का स्थान, जहां पर हम बुजुर्गों की पूजा करते हैं, उनके नाम का लंगर लगाते हैं, उनके नाम के चिराग रोशन करते हैं। जैसे हमारा गोत है राजू, हमारे गांव में ही हमारे जठेरों की जगह बनी हुई है। बुजुर्ग कहते हैं कि जिस भी परिवार से कोई सती हुआ हो, पहले समय में सती हुआ करते थे और ब्रह्मचारी हुआ करते थे, जब वे अकाल चलाना करते हैं, इस दुनिया को छोड़ जाते हैं, तो फिर उनकी पूजा की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि उन्होंने परमात्मा की बंदगी की होती है, अल्लाह ताला की इबादत की होती है, जिन पर अल्लाह ताला का कर्म होता है, और फिर अल्लाह ताला उनको एक रुतबा अता फरमाता है और परमात्मा के हुक्म से ही उनका स्थान बनता है, जिसे हम जठेरे बोलते हैं। हमारे बुजुर्गों की, सतियों की वह जगह होती है। हर इंसान किसी ना किसी गोत्र से जरूर जुड़ा होता है। हम अपने बुजुर्गों से पूछेंगे तो वह हमें बता देंगे। जठेरों की जगह पर, सतियों की जगह पर मेले भी लगते हैं। जैसे कई गोत हैं, राजू है, बदन है, मान है, और भी ऐसे बहुत से गोत हैं, उन्हीं को ही हम जठेरे बोलते हैं और वहाँ पर जाकर हम इनकी पूजा करते हैं। बहुत से लोग अपने जठेरों को भूल चुके हैं, उन्हें यह भी नहीं पता कि हमारे जठेरे कहाँ पर है। कैसे हम अपने बुजुर्गों की पूजा कर सकते हैं? हमने तो एक बार इनकी पूजा छोड़कर देखा तो हमारे कानों को हाथ लगा दिए थे, और हमारे साथ ऐसे ऐसे काम हुए जिनके बारे में सोचकर भी डर लगता है। हमें अपने बुजुर्गों की पूजा करनी ही चाहिए, उनके नाम पर लंगर लगाना चाहिए, उनके नाम पर दान करना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी बोले। अपने इस दुनिया से गए बुजुर्गों को याद करना चाहिए, उनके नाम पर दान पुण्य करना चाहिए, तो उनको भी सहायता होती है। हमारे दान पुण्य से किसी के भूखे पेट की आग बुझ जाती है, वह हमें दुआएं देता है, और अल्लाह ताला इसी काम से खुश होकर, परमात्मा इसी काम से खुश होकर हमारे दुख तकलीफ परेशानियों को ख़त्म कर देते हैं। बहुत से लोग इसी वजह से बर्बाद हो गए हैं कि उन्हें अपने जठेरों के बारे में, अपने बुजुर्गों के बारे में पता ही नहीं है कि हमारे जठेरे कहाँ पर है, कहाँ पर जाकर हम उनकी पूजा करें। घर के बड़े बुजुर्गों को अपने बच्चों को बताकर जाना चाहिए कि हम किस पीर की सेवा करते हैं, हम किसके नाम का कोई लंगर लगाते हैं, जहाँ हमारे जठेरे कहाँ पर है, सतियों का मंदिर कहाँ पर है, ऐसा सब कुछ बताकर जाना चाहिए, नहीं तो बाद में फिर बहुत दिक्कत आती है। मैंने ऐसे बहुत से केस देखे हैं जिनके घर में बहुत परेशानी है, सिर्फ और सिर्फ जठेरों की वजह से ही, और जैसे ही उन्हें पता चला कि जठेरे कहाँ पर है, और वहाँ पर जाकर जैसे ही उन्होंने अपने बुजुर्गों के नाम पर दान किया, उनकी पूजा की, उनके नाम के चिराग रोशन किए, तो घर में फिर से सुख शांति खुशहाली आ गई। बहुत से केस मैंने अपनी आँखों से देखे हैं। इसीलिए जठेरों की पूजा हमें करनी चाहिए, अपने बड़े बुजुर्गों के नाम पर दान पुण्य जरूर करना चाहिए। इससे हमें कोई नुकसान नहीं, फायदा ही होता है। साल में एक दिन करने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस काम की वजह से हमें बहुत फायदा होता है।
यह बात पक्की है। अपने बुजुर्गों को याद करें, उनके नाम पर लंगर लगाएं, दान करें और परमात्मा इसी काम से खुश होकर आपकी हर मुश्किल परेशानी को ख़त्म फरमा देते हैं, इतनी रहमत करते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके जठेरे कहाँ है, तो आप अपने गोत्र वाले लोगों को ढूंढें। जैसे अगर आपका गोत बदन है, तो आप ऐसे लोगों को ढूंढें जिनका गोत बदन है। किसी न किसी को ज़रूर पता होगा कि आपके जठेरे कहाँ पर है, वह कहाँ पर जाते हैं। अपने गोत्र वाले लोगों को ढूंढ ले तो वह आपको बता सकते हैं। तो जठेरों को पूजना कोई गलत बात नहीं है, हम भी पूजते हैं। और हमारे गांव में बहुत बड़ा मेला लगता है हर साल जठेरों का, सतियों का, और उनके नाम पर लंगर लगाए जाते हैं, खूब दान किया जाता है। और आसपास के भिखारी और झुग्गी झोपड़ी वाले भी आते हैं, उनको भी दान किया जाता है, लंगर दिया जाता है और सभी खुश होकर जाते हैं, हमें दुआएं देते हैं। तो उनकी दुआओं के सदके में परमात्मा हमारी हर इच्छा को पूरा फरमाते हैं।